एक चीज़ मुझे बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करने पर समझ में आती है कि आपको दुनिया में बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पीछे खींचेंगी। कई बार आपके रिश्ते आपको पीछे खींचेंगे, कई बार आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपको पीछे खींचेगी, कई बार आपका खुद का दिल दिमाग आपको पीछे खींचेगा किसी भी चीज़ को करने से जो कि आपको अच्छा लगता है या जो आपको आगे बढ़ा सकता है। पर इस पूरे चक्र में या इस तरीके से फंसे रहने में आपको कैसे आप उससे बाहर निकल सकते हैं, ये आपके हाथ में होता है। आप चाहें तो आप बाहर निकल सकते हैं, आप नहीं चाहेंगे तो आपको कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता है, चाहे कोई टीचर हो, चाहे कोई मेंटर हो, चाहे कोई भी पर्सन हो या कोई आपका बहुत क्लोज हो। लोग क्रेडिट दे देते हैं कि हाँ मुझे उसकी वजह से थोड़ा समझ में आया ज़िंदगी के बारे में, पर वो समझ में आता नहीं है एक्चुअली। तो मेरे कहने का बस ये मतलब है कि कभी भी आपको अपनी लाइफ में लो फील हो तो लो फील करने का आपको पूरा हक है। आप ऐसे अपने आप से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और उसके बाद लेकिन अगर आपको अपने आप को खींचना है तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको खुद को खींचना होगा, आपको खुद को खुद के लिए खड़ा होना होगा। कोई भी रिश्ता, आपके माँ, आपके बाप, आपका कोई सगा या आपका कोई चाहने वाला, कोई भी आपको नहीं खींच सकता। लोग सिर्फ आपको सुझाव दे सकते हैं और अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको थॉट शेयर कर सकते हैं, आपको चीज़ें बताएंगे। सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं, किसी को भी आप फॉलो नहीं कर सकते। बस आपको सोचना है कि आप कैसे उस फील्ड में आगे बढ़ेंगे, आप कैसे उस चीज़ से कोप अप कर पाएंगे।